गुड मॉर्निंग। आज मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट करी है सीधे ठाकुर जी से, और जो कल मैं नई ड्रेस लाई थी वही पहनाई है मैंने अपने ठाकुर जी को। जैसे नए बच्चे तैयार होकर अच्छे लगते हैं, ऐसी ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं नए कपड़े पहनकर। और मिश्री का भोग लगाया है यहाँ पर, तो मुझे लग रहा था कि इनकी पगड़ी टेढ़ी टेढ़ी सी जा रही थी वीडियो में लगा मुझे, तो मैंने कहा ठीक कर दूँ। मेरी पूजा हो गई है, सारा काम हो गया है, तो चलिए चलते हैं नाश्ता की तरफ, किचन में चलते हैं नाश्ता बनाते हैं। और क्या बनेगा पता नहीं। तो यहाँ पर मेरा बन रहा है, एक कढ़ाई में बन रही है मेरी सूजी का हलवा। ये इसमें डाला मैंने देसी घी और सूजी का हलवा भूनने लग गई मैं सूजी। और दूसरी कढ़ाई में बन रहे उधर पकोड़े, आलू के बन चुके हैं वो थाली में आपको दिख ही रहे होंगे। और ये जो मैंने छाना है ये है काढ़ा, मेरे हिसाब से काढ़ा, नकुल के हिसाब से ब्लैक टी। उसे पता नहीं है कि मैं काढ़ा बना कर देती हूँ, मैं उसे लगता है कि ब्लैक टी है ये, तो उसे अच्छा लगता है, वो पी लेता है। इसी बहाने से बच्चे पी लेते हैं, चलो कुछ भी हो, नाम से क्या होता है, कुछ नहीं, बस पीना चाहिए। और इस टाइम में तो भाई बीमारी इतनी चल रही है, बच्चे हो या बड़े हो थोड़ा बहुत तो पीना चाहिए एक आध घूट, लेकिन मैं नहीं पीती, मुझे नहीं अच्छा लगता, सच बताऊँ तो मैं बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। पता नहीं कैसा टेस्ट आता है इसका, अजीब अजीब सा तो नहीं अच्छा लगता, लेकिन बच्चों को अच्छा लगता है यही बहुत बड़ी बात होती है। बच्चों को बहुत कम चीज़ें अच्छी लगती है ऐसी चीज़ें, तो पकोड़े वगैरह तो सब अच्छे लगते हैं बच्चों को। तो मैंने कहा चलो सूजी का हलवा, केशव ने बोला था हलवा खाऊंगा मैं, तो उसके लिए हलवा बन रहा है सुबह सुबह। और वहाँ पर प्याज के पकौड़े बन रहे हैं, यहाँ आलू के बन चुके हैं यहाँ पर। तो मैंने कहा कि चलो भाई, और मैंने चाय बनने रख दिए उधर गैस पे, दूसरी गैस पे, और मेरे पकोड़े बन चुके हैं। इधर मैं अपने कान्हा जी के लिए भिजवा देती हूँ। और यहाँ पर डाल दिए मैंने चीनी, चीनी ख़त्म हो गई थी मेरे डब्बे में, वो भी डाली है मैंने चीनी भी डब्बे में। और इधर हलवा बनने वाला है, मतलब बना नहीं है अभी। और बच्चों को लगती है कि भाई एक आध दे दो, और बच्चों का इंतजार नहीं होता कि भाई अभी चाय आएगी जब खा लेंगे, नहीं तो केशव भी खड़ा हो गया। तो मैंने तो चल लेकर चल अंदर, तो वो लेकर भी गया, मैंने कहा खाओ जब तक मैं चाय लेकर आती हूँ छान कर। उधर मेरी चाय निकल गई होती, बच गई, नहीं तो फिर निकल ही जाती वो तो, नहीं तो पूरा और काम बढ़ जाता, गैस वैस समेटनी पड़ती फिर तो। मुझे बहुत बेकार लगता है यार, अगर गैस पे कुछ भी निकल जाए, दूध या चाय वगैरह समेटनी पड़े, तो बड़ा गुस्सा आता है मुझे सच में, ये क्यों निकल गया, क्या ये अब दोबारा साफ़ सफाई करनी पड़ेगी गैस की, तो वो सबसे बेकार काम लगता है। और मेरे पास कांच के कप नहीं है, हम सिर्फ गिलास में चाय पीते हैं, और मेरे पास छोटे छोटे कप है स्टील के, उसी में पी लेते हैं, कांच के नहीं है, और ना हम कांच के कप में पीते हैं। और मेरे पास कांच के कप है भी नहीं, अगर कोई रिश्तेदार आ जाता है, कोई मेहमान आ भी जाता है, तो हमारे घर में इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई तो दे ही देता है। मैं पिंकी दीदी से ले आती हूँ मैं। और सूजी के हलवे में मैंने डाला यहाँ पर 4 चम्मच देसी घी, जो कि अच्छा लगता है, उसका टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ मेरा चाय नाश्ता हो गया है, और यहाँ मैंने निकाली अपनी 4 प्याज और मसाला बटने के लिए, सिल बटने पे बटूंगी मैं प्याज का मसाला, अच्छा लगता है। सब्जी बना रही यहाँ पे मैं भिंडी, भरेमा भिंडी की, और यहाँ पर मैं लहसुन छाट रही हूँ, शायद कोई बड़ा बड़ा लहसुन मिल जाए तो जल्दी छिल जाए, लेकिन नहीं मिला मुझे, छोटा ही छोटा था। सबसे बेकार लगता है मुझे छोटा लहसुन छीलने में, बड़ा बड़ा होता है ना तो वो जल्दी निकल जाता है, और इतना बड़ा भी नहीं मिला, छोटा ही छोटा मिला बस मुझे। तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। और वहाँ पे मैंने रख दिया है केशव के लिए हलवा निकाल कर ठंडा रखने के लिए, वहाँ पे ठंडा हो रहा है डिब्बे के ऊपर प्लेट में, छोटी सी प्लेट में। और अभी नहीं दिया मैंने उसे, क्योंकि अभी भी उसने चाय पी है, फिर मीठा नहीं लगता, अगर चाय के ऊपर कुछ भी मीठा खाओ तो वो चीज़ मीठी नहीं लगती है, तो फिर वो खाएगा नहीं, तो मैंने अभी नहीं दूँगी, बाद में दूँगी। यहाँ निकाल ली मैंने अपनी भिंडी, और मुझे लग रहा है इसमें थोड़ी बहुत पकी पकी भिंडी भी है, तो निकालनी पड़ेगी। तो चलिए भिंडी को धोकर रख देती हूँ, फिर बाद में तो धुलेगी नहीं कटने के बाद। और यहाँ पर केशव नहा लिया है, नकुल भी नहा लिया है। और इन दोनों भाइयों में क्या होता है कि कंपटीशन होता है कपड़े पहनने का, कि कौन पहले जीतेगा। तो यहाँ मैंने लगाया था पाउडर, और पाउडर ये अजीब सा है, पता है नाक में भस्सी लगती है इसमें, पता नहीं क्यों आँखों में भी लगता है। तो मैं के नकुल से बोल रही थी, नकुल नाक बंद कर, वो नाक बंद करके बैठ भी गया था। फिर मैं उससे बोल रही थी केशव जीत गया, केशव जीत गया, उसे लगा कि हाँ मुझे हराने की वो चल रही है यहाँ पर टेक्नोलॉजी। तो उसने जल्दी से पहन के बोला मैं जीत गया, मैंने कहा नहीं केशव जीता है। दोनों भाइयों में हमेशा होता है। और यहाँ पर क्या हुआ था कि नकुल का कान ना हल्का सा कट गया था, पता नहीं किससे हो गया था वो, तो वो उसने मुझे आज बताया 4-5 दिन बाद। फिर मैं उसका पाउडर लगा रही थी, मैं उससे ये बोल रही थी बता दिया कर, नहीं तो कट जाएगा पूरा, फिर अलग गिर जाएगा, उसे डरा रही थी मैं उसे।
और केशव को भी होड़ लगी थी यहाँ पर, तो मैंने उसे ऐसे ही कर दिया बहलाने के लिए बस। तो यहाँ डिब्बे में डाल लेती, पाउडर ख़त्म हो गया है। और यहाँ कर लेती हूँ अपने बर्तन खाली फटाफट से, क्योंकि बर्तन अभी नहीं साफ़ करूँगी, बाद में करूँगी, इकट्ठे हो जाएंगे जब तक पूरा काम निपटा लेती हूँ मैं अपना। और यहाँ पर मैंने आप सबको बताया था कि सिल बटने पे बटना है मुझे मसाला, जो कि नहीं किया मैंने, मिक्सी में कर लिया। फिर मेरी बहन का आ गया था फ़ोन, सिस्टर का, तो उससे बात होती रही, फिर हो गई देर और मन भी नहीं किया मेरा, फिर देर हो गई तो मैंने कहा अब नहीं कर रही मैं, आलस इतने भरे हैं क्या करें यार, सच में मन नहीं करता। अगर बाद में हट गया मन तो हट गया, फिर मन नहीं करेगा वो काम करने के लिए। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है कि सबके साथ ऐसा होता है, आलस इतने भरे मन नहीं करता कुछ काम करने का। और पहले पता सिल बटने पे ही सारे मसाले बटे जाते थे, अब तो मिक्सी चल गई है, एक दो चक्कर घुमाया और हो गया सारा काम, चलो भाई निपट गए सारे काम। और यहाँ पे मेरी कुछ भिंडियाँ निकली थी पकी हुई, तो वो मैंने हटा दी, निकाल दी, और यहाँ पे बनाने लगती हूँ भिंडी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा करेले छीले जा रहे हैं जो कि मेरे 5-6 दिन से रखे थे। सब्जी नहीं बन रही है, इसका बनेगा तेल, करेले का जहर वाला तेल बनाऊंगी मैं आज, तो भाई जहर वाला तेल। पता क्या हो गया इनको, पता नहीं क्या हो गया है, पैरों में जांघों में खुजली सी हो गई है, इतने बड़े बड़े ददोरे से हो गए पता नहीं क्या, और खाज भी है नहीं है वो, पता नहीं क्या है उसमें। इतने सारी दवाई ले आए हैं, ट्यूब ले आए हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। तो किसी ने बताया है करेला का तेल, तो वही बना रही हूँ मैं यहाँ पर, मैंने यूट्यूब पे नहीं देखा, किसी और ने बताया है, तो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। हाँ ये तो सही बात है कि भाई जहर को जहर ही मारता है, ये सही बात है कि चलो देख लेते हैं, करेले में बहुत जहर होता है तो यही देख लेते, बहुत कड़वापन होता है। तो ज़्यादा तेल नहीं बनाया मैंने, थोड़ा सा ही बनाया है, और गैस पर रख दिया है मैंने गर्म करने के लिए धीमी धीमी आँच पर। तो मैं आप सबको दिखाऊंगी, यहाँ पर हो गया है तेल थोड़ा हल्का गर्म, और मैंने डाल दिया ये, और ये जब तक पकाना है तेल, जब तक करेले बिल्कुल काले ना पड़ जाए, एकदम जल ना जाए तब तक, तो फिर ठंडा करके लगा सकते हो उसी जगह पर। अगर इसका अच्छा रिजल्ट निकला तो मैं आप सबको फिर बताऊंगी कि काम करा या नहीं करा, और नहीं करा तो फिर तो वो भी बताऊंगी नहीं किया तो। तो चलिए यहाँ पर मेरी भिंडी बन के तैयार हो गई। भिंडी तो ये देखिए कितना अच्छा भी कलर आया, और देखने में तो भाई अच्छी लग रही है, और पता नहीं आगे कैसी लगेगी, खाने के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पर मेरे देखिए ये हो गया तेल, कैसे हो गए करेले बिल्कुल जल गए हैं, तो बन के हो गया तैयार, रेडी है एकदम। तो चलिए गैस को कर देते हैं यहाँ पर बंद, और इसका तेल भी देखो चेंज सा हो गया बिल्कुल एकदम, ये देखिए। तो मुझे बताना मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, और मुझे कमेंट करके बताना कैसी लगी आज की वीडियो। चलिए भाई काम तो हो गया है मेरा सारा, और टाइम अभी 1:15 हो रहा है, और अभी तक खाना नहीं खाया मैंने, क्योंकि भूख नहीं थी बिल्कुल भी, सो नहीं खाया मैंने, और काम मेरा सारा हो गया। और जब मैं कल मैं मार्केट गई थी, तो मैंने आपको आधा सामान दिखाया था, आधा नहीं दिखाया था, क्योंकि मतलब वीडियो हो जाती बहुत बड़ी, तो मैंने कहा जब आपको दिखाई भी दे रहा होगा, 1:15 हो रहा है भी ऊपर, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लाई थी, और ज़्यादा कुछ तो लाई नहीं थी वैसे। कान्हा जी के कपड़े और अपने कपड़े मैंने दिखाई दिए हैं, तो मैं दिखाती हूँ कल मैं लाई थी कि बिंदी, सादा बिंदी है बस, बिल्कुल एक पत्ता डाल के लाई थी मैंने कि बाई चांस कहीं जाना पड़ जाए तो लगाने के लिए। और एक लाई थी मैं ये वाली लिपस्टिक, मियोन की है ये, और अच्छी है ये सच में, और ज़्यादातर मैं सच बता रही हूँ, मैं मार्केट से ही ख़रीदते हैं लिपस्टिक वगैरह, कभी भी ऑनलाइन नहीं मंगाई है, और ना तो अच्छी लगती है ऑनलाइन, क्योंकि मार्केट से हम देख सकते हैं इसका कलर कैसा है उसकी। और मैं पता है सबसे ज़्यादा क्या देखती हूँ, दो चीज़ देखती हूँ बस, कलर और खुशबू। मुझे खुशबू अच्छी लगती है तो ही लेती हूँ, खुशबू नहीं अच्छी लगती तो नहीं लेती मैं, मुझे नहीं अच्छी लगती। और इन दोनों में अच्छी खुशबू आ रही है, और एक लिपस्टिक ये वाली है, ये भी अलग अलग कलर है दोनों का, लग रहा होगा लेकिन सेम अलग अलग कलर है इन दोनों का, तो अच्छी लगी मुझे ये। और इन दोनों को, इन दोनों की क्या ख़ास बात है, मुझे इसका जो खुशबू है इसकी वो बहुत अच्छी लगी थी, सबसे ज़्यादा खुशबू अच्छी लगी मुझे इसकी, इस वाले की और इसकी दोनों की। ये मियोन की है, अरे नहीं तो कैसे हम रहें, ये मियोन की है, तो यह कंपनी की है,
इसकी कोई कंपनी है, ये ऐसी ही है बस, सादा सिंपल सी है, तो ठीक लगी मुझे। और मुझे कंपनी से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ खुशबू अच्छी होनी चाहिए और कलर अच्छा होना चाहिए बस, और बजट में होना चाहिए हमारे, नहीं मान जाओ केशव, और बजट में होना चाहिए तो ही मुझे अच्छी लगती है कोई चीज़। और अगर अगर बजट से बाहर हो और कंपनी की हो तो नहीं अच्छी लगती है तो मुझे। और मैंने ऑनलाइन कभी भी मेकअप का सामान नहीं मंगाया, कभी भी ऑनलाइन, सिर्फ मैंने दो चीज़ मंगाई है बस, वैसे तो चार पांच चीज़ें मंगाई हूँ। एक बार मैंने कि वो टच वाला फ़ोन मंगाया था, सबसे पहले मैंने टच वाला मोबाइल मंगाया था, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं निकला, ख़राब हो गया, मुश्किल से साल डेढ़ साल चली होगी, चला होगा वो मोबाइल बस। और दो मैंने मंगाई थी, मतलब अलग अलग बार मंगाई थी, एक बार मंगाई थी मैंने फेशियल किट, वो मेरी बहुत अच्छी निकली और ठीक भी था, उसका ग्लो भी बहुत अच्छा था। फिर मैंने दोबारा मंगाई फेशियल किट और उसके साथ ही वो फेशियल करने वाली मशीन, दोनों साथ में थी, फेशियल करने वाली मशीन थी, फेशियल था पूरा, पाँच छः फेशियल था उसमें, और मैनीक्योर पेडिक्योर का सामान था, और दोनों ही अच्छे थे वो, मुझे दोनों अच्छे लगे थे। और फेशियल करने वाली जो मशीन है वो मैं दिखाऊंगी आपको फिर किसी दिन, आज नहीं दिखा सकती क्योंकि वीडियो हो जाएगा बहुत बड़ा, फिर किसी दिन दिखाऊंगी मैं उसकी। और किट तो खैर ख़त्म हो गई फेशियल वाली, आज से करीब तीन चार साल पहले, नहीं चार साल पहले मंगाई थी मैंने, और अच्छी निकली थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकला था, ग्लो भी बहुत अच्छा आता था उसका, पर लेकिन जब से नहीं मंगाया मैंने एक बार, हाँ, और मैंने एक बार वो मंगाया था नॉनस्टिक फ़ैन का पूरा सेट आता था, वो मंगाया था मैंने एक बार। तो यही कुछ चार पांच आइटम मंगाए थे और ज़्यादा कुछ नहीं मंगाया, लेकिन मेकअप का सामान मैंने कभी नहीं मंगाया क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता उसमें, कैसा निकलेगा पता नहीं, पैसे वेस्ट ना चले जाए, इसलिए नहीं मंगाया मैंने वो। अरे शोर नहीं करो, नहीं ये बच्चे यहीं खेल रहे सारे, तो और मुझे ये सामान यहीं सही लगता है, यहीं पर ही, वहाँ पता नहीं बजट में होगा कि नहीं होगा, वो तो पता है कि ये सब पता चल जाता है कितने का है कितने का मैं, लेकिन चीज़ के ऊपर होती है, अगर अच्छी नहीं निकली तो फिर एक आस जाती है, मेरा तो भाई मन निकल एकदम जान से निकल जाती है अगर चीज़ ख़राब निकल जाए बिल्कुल। और सबका यही हिसाब होगा, सब औरतों का यही हिसाब होगा भाई, अगर चीज़ ख़राब निकल जाए तो औरतों की तो जान निकल जाती है बिल्कुल, आदमियों को शायद कोई फ़र्क ना पड़े लेकिन औरतों की जान निकल जाती है। तो मेरा तो हो गया, मैंने आपको दिखा दिया, ये दो सामान लाई थी मैं, दो लिपस्टिक, एक बिंदी का पत्ता दिखाया मैंने अभी, और कुछ नहीं लाई थी मैं, हाँ, और पेपर वगैरह लाई थी बस, वो जो ऊपर जो कान्हा जी की जो वो है ना, मैंने बेड सा बनाया था क्योंकि वो जन्माष्टमी पे मैं दोबारा से उसे तैयार करूँगी सजाऊँगी, तो खाली उस पेपर लाई थी कलर वाले, और जो किचन में पेपर लगे हैं वो ख़राब हो गए, उन्हें सेट करूँगी जन्माष्टमी में, पूरी साफ़ सफाई होगी उसके लिए लाई थी बस मैं, तो वो जब मैं लगाऊँगी जब दिखाऊँगी मैं। तो चलिए फिर वीडियो कर देते एंड, नहीं तो बहुत बड़ी होती जा रही है धीरे धीरे, और कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अगर कुछ नया बनेगा तो मिलते हैं, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा कल के, कल देखेंगे। और खाने की पता नहीं अभी कब खाएंगे, अभी भूख तो लगी नहीं है। नकुल तूने खाना खाया है? नकुल ने तो आज अपने पापा के साथ खा लिया ना, खाया था पक्की, हाँ इसने तो खा ले। चलो तो मैं इससे बोल देती तू खा लिया कर, मेरे साथ भूखा मत रहा कर भाई, मुझे तो भूख नहीं लगती, ये कहता है मुझे भी भूख नहीं लग रही। तो चलिए फिर कर देते हैं वीडियो का एंड, कर दो बाय बाय, नकुल बाय बाय कर दो।